मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान नवीन महाराज ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से रामगढ़ उपचुनाव हेतु की गई तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया। मीडिया बातचीत में निर्वाचन अधिकारी नवीन महाराज ने बताया कि आज जयपुर से पूरी टीम के साथ जिला कलेक्टर अलवर सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। समीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्वक समस्या नहीं मिली। पुलिस प्रशासन रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अपनी मुस्तैदी मजबूती बना रखी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी या कोई रुकावट आएगी तो उसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से टीम गठित की गई है। नूह मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से दो स्थायी पुलिस चेक पोस्ट पर मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन तत्परता से चेकिंग करने का काम करेंगी। इसके अलावा भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। पूरी फील्ड का एनालिसिस किया जाएगा, जिसका जिम्मा चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारी तत्परता से करेंगे। बुजुर्गों के लिए छूट व समय सीमा की अगर बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए जिला प्रशासन सीनियर सिटीजन से वैकुलर सपोर्ट मिले। अगर कोई बूथ तक आने में सक्षम ना हो, उनका वोट घर से डालने का प्रयास जिला प्रशासन करने को तैयार है। रामगढ़ में जो संभावित उपचुनाव है उसकी जिला प्रशासन और पुलिस और बाकी जो विभाग हैं इनकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ जयपुर से आए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि काफ़ी डिटेल में विश्लेषण के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि पुलिस प्रशासन और जो बाकी विभाग हैं वो बड़े समन्वित तरीके से उपचुनाव कराने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और कोई ऐसा मुद्दा हम लोगों को समीक्षा के बाद नहीं मिला जिस पे कोई सीरियस लैप्स हो या कोई किसी तरह का सीरियस इशू हो। तो पूरी जो टीम है वो मुस्तैदी से जो संभावित उपचुनाव है उसको कराने के लिए तत्पर है। रामगढ़ जो है हरियाणा और नूह मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से जो आने जाने की अलग गतिविधियों के ऊपर किस प्रकार से निगरानी रखी जाए? इसमें क्या है, दो तो स्थायी जो चेक पोस्ट हैं वो प्रशासन और जो पुलिस हैं वो वहाँ पे पूरे चुनाव के दौरान संचालित करेंगे। बकायदा उसका वेबकास्टिंग भी करवाया जाएगा और वेबकास्टिंग की जो फीड है उसको भी ज्वाइंटली पुलिस और प्रशासन जो है उसको एनालाइज करेगा। चुनाव की समय सीमा क्या रहेगी और बुजुर्गों के लिए अलग से विशेष छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी? बुजुर्गों के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन पहले से ही ये इनिशिएटिव ले रहा है कि मैक्सिमम जो वोटिंग है सीनियर सिटीजन से इस बार कराई जाए, जहाँ तक हो सके उनको व्हीकुलर सपोर्ट भी मोबिलाइज कराया जाए और जहाँ पर वो बूथ पे आने के लिए सक्षम ना हो उनको घर बैठे ही जो होम वोटिंग की सुविधा है वो प्रदान की जाए। पिछली बार की तरह इनके लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था, इस बार की क्या? हाँ, इस बार भी वो चीज़ है, पर हम कोशिश करेंगे कि इस बार और अधिक जो व्हीकुलर सपोर्ट है इस तरह के सीनियर सिटीजन्स को दिया जाए।